लॉकडाउन और समाजी फासले के हवाले से इकदाम आवाम की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। इसमें शफाफियत को हर लिहाज से यकीनी बनाया जाएगा। एहसास प्रोग्राम का पैसा आवाम का है जो उन्हीं पर लगेगा। गरीबों का हक मारने की कोशिश करने वालों को सख्त सजाएं देंगे। वजीर आला KPK महमूद खान ने वाजे कर दिया, कहा आवाम के तावुन के बगैर हुकूमती कोशिशें कामयाब नहीं हो सकती। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हिफाजती लिबास और किट्स फराहम करेंगे। जो मेयर्स हम ले रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से, सोशल डिस्टेंसेस के हवाले से, वो आपके लिए हम ले रहे हैं। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप उस पर अमल करें, हमारा साथ दें, ताकि जो वबा आई है इसके साथ उसका हम मतलब मुकाबला कर सकें। एहसास प्रोग्राम के तहत ये 12,000 रुपए जो लोगों में हम तकसीम कर रहे हैं, जो डिलीवेजर्स है, जो गरीब लोग हैं उनको हमने देने हैं, और साथ साथ इसमें हमने ट्रांसपेरेंसी इस पर ज़रूर करना है काम, क्योंकि मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर इसमें कोई एम्बेजलमेंट करेगा तो उनको हम सजा देंगे, उनको हम माफ नहीं करेंगे। ये गरीबों का पैसा है और ये गरीबों को मिलेगा। जितनी भी हमारी PPEs वगैरह है, जितने भी इक्विपमेंट्स है, जितनी भी जरूरियात है, वो हम इनको पूरा करके देंगे। ये हुकूमती वक्त की जिम्मेदारी होती है। इंशाल्लाह हम इनको फैसिलिटेट भी करेंगे, इंशाल्लाह इनको हम सपोर्ट भी करेंगे।